त्रिस्तरीय पंचायत के उपचुनाव में विजयी हुए प्रत्याशियों तथा संगठित नहीं हो सके ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों से 432 ग्राम पंचायतों का शपथ ग्रहण 19 जून को वर्चुअल रूप से संपन्न हुआ, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जनपद में 1294 ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ था, जिसमें 432 ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या पूरी नहीं होने के कारण उपचुनाव कराया गया था, जिसमें अधिकतर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा 191 ग्राम पंचायत सदस्यों, 6 ग्राम प्रधान व 6 बीडीसी सदस्यों का उपचुनाव कराया गया था, जिसमें विजयी होने के बाद 432 ग्राम पंचायतें संगठित हो गई थी, लेकिन अभी एक ग्राम पंचायत गठित नहीं हो सकी है। डीपीआरओ ने बताया कि अब जनपद में 1294 में से 1293 ग्राम पंचायतें संगठित हो गई हैं। इसके बाद गांवों का विकास शुरू हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा, तब मुझे समर्थक दे। पति और पिता का नाम ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य और शक्ति दें। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, अछूत रखूंगा और मैं ग्राम पंचायत के प्रधान सदस्य के रूप में अपना नाम दीजिए। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, निर्वहन करूँगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दें। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा से मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अचूकता रखूंगा, सामर्थ्य दें। धन्यवाद। रखूंगा और मैं ग्राम पंचायत हरिहरपुर के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दें। धन्यवाद। गोरखपुर में कुल 4496 ग्राम पंचायत सदस्यों की रिक्तियां थी, इसके अलावा 8 प्रधान पद पर रिक्तियां थी और 9 बीडीसी मेंबर की रिक्तियां थी। इसमें से ज़्यादातर सीटों पर निर्विरोध ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित हो गए थे।
नामांकन पत्र सिर्फ एक ही लोगों ने भरा था, नाम वापसी के बाद अधिकतम सीटों पे ग्राम पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अंत में कुल मिलाकर के 191 ग्राम पंचायत सदस्य, 6 ग्राम पंचायत प्रधान और 6 BDC मेंबर के लिए उपचुनाव हुआ था। 1 BDC मेंबर का उपचुनाव जो है निर्वाचन आयोग के आदेश पर, निर्देश पर वो स्थगित कर दिया गया था। और इस उपचुनाव में जो है इसकी वोटिंग जो है 12 जून को हुई थी, 14 जून को इसकी मतगणना हुई। मतगणना के उपरांत जो है सभी जो भी निर्वाचित हो गए और कुल 433 ग्राम पंचायतें ऐसी थी जो मेन चुनाव जो हुआ था उसके बाद भी संगठित नहीं हुई थी, क्योंकि संगठित होने के लिए शर्त होता है कि कम से कम 2/3 ग्राम पंचायत सदस्य अवश्य चुने जाएं। तो इस बार जो उपचुनाव हुआ, इस उपचुनाव के बाद सिर्फ 1 ग्राम पंचायत गोला की धरहरा ऐसी है जहाँ की अभी भी ग्राम पंचायत सदस्यों का रिक्तियाँ हैं 2/3 से अधिक। इसकी वजह से वहाँ पर उपचुनाव मतलब यहाँ वहाँ पर संगठन नहीं हो पाया, प्रधान शपथ भी नहीं ले पाए। तो कुल मिलाकर 432 ग्राम पंचायतें जो है वो संगठित हो गई, अधिसूचित हुई कल DM साहब के आदेश से। और आज 12 बजे से उन सभी 432 ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के द्वारा शपथ लिया गया। और इस तरह से अब गोरखपुर में 1294 ग्राम पंचायत में से 1293 ग्राम पंचायतें अधिसूचित हो गई है और इन सभा में प्रधान कार्य कर रहे हैं। 1 ग्राम पंचायत है धौरहरा जो कि अभी भी असंगठित है और एक और ग्राम पंचायत है जहाँ के प्रधान ने शपथ लिया था चरगावा का बालापार, पर प्रधान की मृत्यु हो गई है। तो वहाँ पर अभी नियमानुसार जो भी होगा त्रिस्तरीय कमेटी बना करके अभी कार्रवाई की जाएगी। जब उपचुनाव होगा तो इन सभी स्थानों पर पुनः उपचुनाव होगा।